हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉगर। आज भी है छठ पूजा, तो हम दोनों की ओर से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। देख रहे होंगे आप, रात हो चुकी है। एक्चुअली ये भोर वाला है, यानी कि सुबह वाला है। इस दिन सुबह जाते हैं घाट पर। बहुत लोग जाके भी अपना दौरी देखो लेकर भी वापस आ रहे हैं, और अभी हम लोग जा ही रहे हैं। मम्मी लोग जो हैं वो 2 बजे ही रात में चली गई थी, और अभी हम 5 बजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो कितनी ज़्यादा रात है। लोग लास्ट में मैं, सिडनी और अनामिका एंड प्रियंका ना, बाय रूपाली। तो हम 4 लोग निकले हैं घाट के लिए। बाकी के लोग चाचा सब लोग खुद से निकले थे, बट ठीक है। और बस अभी जाएंगे, और आज हम लोगों का जो है वो सवेरे उगते हुए सूरज की पूजा है, उन्हें अर्घ देते हैं। और आज लास्ट डे भी है छठ पूजा का, जा रहे वहाँ पे एंजॉय करेंगे, और आगे की आपको जो भी सारी चीजें दिखाएंगे जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है क्या? तुम पार्ट टाइम जॉब क्या है, मतलब लाइक गाड़ी चलाना होगा तो फिर कुछ ना कुछ साथ वाले को। जब ऐसे रास्ता बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत ही यू नो पतला रास्ता है, और ऊपर नीचे भी है। ले लो आगे ले लो। ये है घाट जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सवेरे उठते हुए सूरज को अर्घ देना है। मम्मी चाची सब लोग बैठे हैं, पूजा करेंगे। सिडनी भी आई हुई है, मैं भी आया हुआ। ये देखिए कितने कोलू मुलों से बच्चे आए हुए हैं, चाचा लोग खड़े हैं, बाबू लोग सब लोग खड़े हुए, मेरे भाई कजिन सारे। तो और ये देखिए हेलो बोल रहे हैं, और हम लोग तो हम लोग अभी जा रहे हैं। फिर ये सब चीज़ें तो होंगी जब सूरज देवता उठने के साथ, बट उसके पहले अभी हम मैं और सिमी जा रहे दिया जला। तुमको क्या लग रहा है, हम जा रहे खाने, हम तो तुम्हें देख रहे कि तुम खा दिख रहे। हम तुमको देख रहे चाय पियेंगे। तो हम लोगों का छठ पूजा बहुत ही अच्छा लगा, जैसा कि आपने देखा। हम लोग गांव आए सेलिब्रेट किए, मम्मी पापा सब लोग खुश हो, बहुत ज्यादा बहुत ही मजा आया। मैं इतने मुझे लग ही नहीं रहा, मैं इतने घंटों तक ड्राइव करके आया हूँ, सारी थकावट दूर हो गई है, और अभी मैं एकदम फुल एंजॉयमेंट मूड में हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या और करने वाला हूँ, बहुत से एंजॉयमेंट। जैसे भी वीडियोस बनते रहेंगे मैं डालते रहूंगा। हाँ। अभी बैठ हमको भी नहीं पता क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बट ठीक है, जो रिकॉर्ड हो रहा है हम डाल देंगे आपको, दिखाते कई सारे हम आपको दिखाते रहेंगे। हम लोग एंजॉयमेंट में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, और सारे बच्चे बार बार हम लोगों को अभी भी देखिए वेट कर रहे हैं कि चलिए चलिए, तो चलते हैं। अब त्यौहार ऐसा रहा कि बहुत ही मजा आया। देखिए जैसे अर्घ चढ़ा सब कुछ हुआ कंप्लीट, बच्चों ने बहुत पटाखे फोड़े, कुछ खाया पिया सब कुछ किया, बहुत इन्जॉयमेंट लिया। अभी सब लोग अपने अपने घरों की ओर दौरी लेते हुए जा रहे हैं। ये पूजा समाप्त हो गई, मगर अभी खान पान घर पे जारी रहेगा, बहुत ही मजे आने वाले हैं। अभी जाएगा वो फिर मेन रोड पे मेरे साथ में जाएगा। बनमोल अरे बनमोल अरे अभी कौन जाना चाहता, बाद में कौन जाना चाहता बता दो।
अभी जाना चाहते हो तुम, तो ठीक है ऋषभ और अनमोल तुम लोग, फिर जब हम घर पहुँचेंगे उसके बाद गाड़ी निकालेंगे चलाएगा, ठीक है डन। अरे भाई लड़की पार्टी का नहीं बनमोल जो भाई क्या कर रहे हो तुम, घर भेदभाव हो रहा भेदभाव। सब देखने को खाने को भी नहीं है, इतना सुंदर लग रहा है गन्ने के खेत में बीचों बीच सूर्य देव, मजे आ रहे हैं पूरा हरियाली हरियाली बहुत मजा आता है। हमारे गांव का ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये सब स्कूल है मम्मी, अच्छा छोटे बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर। छठ घाट से आने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोगों ने रेस्ट किया, फिर खाना पीना खाया, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम जा रहे हैं गांव घूमने, और गांव आए और बच्चों को घुमाए ना, देखिए सारे बच्चे सनरूफ से बाहर निकलते निकलते इंजॉय कर रहे हैं, देखो हेलो भी बोल रहे हैं। अभी देखते हैं गाँव में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ होगी ना, जो जो बेस्ट चीज़ होगी सब खाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। देखिए पीछे गांव, हरा हरा पूरा खेत। एक्चुअली ना यहाँ आके ना मुझे पता है कैसा सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर आई हूँ, मतलब नानी के घर पर आई हूँ सिसवा में। बिल्कुल ऐसी सेम वहाँ पर भी डहरी होती थी, जो तुम्हारा ननिहाल है। हाँ मेरा ननिहाल है, जो क्या कहते हैं ऐसे ही घर होते थे, खूब सारे जीने, रेड रेड जीने होते थे, गाय भैंस लोग, हम लोग भी ऐसे जाते थे वहाँ भी, तो भी वहाँ लोग ऐसे ही हमको दिखते थे घूर घूर के, हरी 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 कौन है, कुछ ऐसा ही होता था। और यहाँ भी सेम वैसा ही है, तो इसलिए काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। बस मैं अपनी मम्मी को थोड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मैं छठ वहाँ नहीं जा पाई, मुझे वहाँ जाना था, मम्मी ने मेरे नाम का कोसी भरा था, बट वहाँ नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। और मतलब इस गांव में आ गया ना, तो सच में ऐसा लग रहा है कि मेरी नानी का घर हो गए कहीं ना कहीं ना कहीं कोने, ऐसा सही में लग रहा है। लेकिन अब मेरी नानी नहीं है। क्या है विवेक, कौन कब्रिस्तान? ये कब्रिस्तान है, ये यहाँ पे जो मुस्लिम लोग का पर्व करते भी लोग इसमें। आप भी इंजॉय करिए गांव की हरियाली। परीक्षा भी छूट गया उसका यार, एक बार इस पे बैटरी को मिलेगा क्या? मिल जाएगा, मैं गाड़ी पे बैठ सकती हूँ। मैं रुक जाइए चाचा, रुक जाइए, बहुत ज्यादा मजा आया। तो जैसे तुम बता रही हो तुम बचपन में अपने ननिहाल में बैठी हुई कभी बैलगाड़ी में, ऐसे ही मैं भी इसी गांव में अपने जब यहां पर आया था कई बहुत सालों पहले बचपन में, मैं भी
तभी का बैलगाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, उसके बाद मैं भी कभी आज तक बैलगाड़ी चलता था। हाँ बैलगाड़ी चलता था, चिल्लाते चलते थे, ऑटो ऑटो टांगा चलता था, टांगे पे बैठा हूँ मैं। इतना सही लग रहा है सब कुछ, बहुत सही लग रहा है। हाँ टांगा तो अभी भी चलता है नहीं, मतलब यहाँ के ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीजें जिंदा है अभी, जो गांव के बारे में डेफिनेशन दी गई है। लड़कों का दाई को ना स्टाइल में हाय हमारी से तानिश का भी है, इसका मजा ही अलग है पता है, गांव में स्पेशल ट्रीटमेंट। गांव आए और सारे शौक ना पूरे हो तो क्या ही गांव आए, अब जा रहे खेतों के बीच में दो तीन फोटो क्लिक करेंगे। तो कपल इनकार इस टाइम बिहार के एक गांव में है जिसका नाम है सिसवा बसंतपुर, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और आप देख सकते हैं बच्चे सारे घूमने निकले मेरे साथ इस वक्त, ये मेरे सारे कजिन्स हैं, विवेक हाय, अनुष्का हाय, और हाय। देख अरे बेटा सब्सक्राइब करने को हमारे चैनल कपल इनकार को, हाँ बोलो को, बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्या बात है कपल इनकार, प्लीज 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 कर देना प्लीज, दो हजार लाइक डिमांड टारगेट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब कैसा लग रहा है ये जानना? मुझे तो वाकई में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि मैं बताते रहूँ कि मैं 20-22 साल बाद मुझे लगता है कि मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ, गांव में पहुँचा हूँ अपने। सो हमेशा जब भी आता तो अपने होम टाउन आता हूँ, गोरखपुर आता हूँ जहाँ पर हम बचपन से पले बड़े जा रहे हैं, बट यहाँ हमारे दादा का घर रहा है, मेरे दादा भी बहुत ही पहले निकल चुके थे यहाँ से, 50 साल पहले चले गए थे गोरखपुर। सो ये हमारे दादा थे घर, बहुत तो जब गाँव आने का अपना मजा ही कुछ और वाकई में वही हरियाली वही ताजगी वो चीज़ें, तो सो आई एम रियली इंजॉइंग इट, मदहोश हूँ मैं इस वक्त। किसी ने नहीं सोचा था कि कपल इनकार का कार बिहार तक भी आ जाएगा, बिल्कुल क्यों, डॉग्स के साथ, डॉग्स के साथ हाँ, that is really very special for me as well, like because हम उन्हें छोड़ करके कहीं आ सकते हैं, हाँ hostel वगैरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन there are boardings, hostels and everything, but I can't leave them anywhere, and there is you know like reason behind that, like I love them a lot, and it you know me मुझे ऐसा personally I feel ये बहुत बड़ा impact डालता है उनको, पर उन्हें लगता है कि कहाँ चले गए छोड़कर, 4-5 दिन के लिए आप please अपने dog को, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा अगर मजबूरी ना हो तो 4-5 दिन के लिए तो कहीं भी छोड़ करके मत जाए अपने डॉग को, हाँ, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक अपने साथ लेके जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको अपने अभी वीडियो में बताया था कि हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं गाँव, तो घूमने जा रहे हैं तो ये नंदनगढ़ है, गाँव के हमारे बहुत ही पास है, नजदीक है, तो हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर के हम लोग नंदनगढ़ घूमने निकल चुके हैं, हमने पार्क किया, पार्क करवाया गया है इन लोगों ने, पार्क करवाया है, और हमें टोकन देखिए कितना शानदार टोकन मिला इस वक्त, 4 चाका 50 रुपया स्टैंड, अब जो समझ में आया लिख दिया, फिलहाल 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। नंदनगढ़ ये खूबसूरत सा सामने, बच्चे सारे रेडी, सिमनी भी रेडी, और हम लोग जा रहे हैं घूमने, अब यहाँ करके इन लोगों से मिलेंगे तो 50 रुपये देंगे, 60 रुपये दे खुश हो गया। कुछ बच्चे जो घर पे छूट गए उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ उनको भी लाद के ले आता, कैसे भी पीछे ही डाल लेता नहीं कुत्ता है ना कुछ हरियाली खूब खेलते ग्राउंड टाइप, लेकिन दोनों को लेकर बहुत बदमाशी करते थे ना, कूद जाते थे, मान लो फिर क्या करती, अरे मतलब ऐसे खाली जगह लेके चलते, हाँ ये तो बात सही बोली है ना, यहाँ खेलते एकदम खूब खेलते।
क्या बोला था तुमने? मैंने ही बोला था कि गली मिली को लेकर चलते हैं, ठीक ना? झूठ है। मैंने इंसिस्ट किया था, फिर किसी ने सीरियसनेस दिखाई नहीं। अगर लाते तो यहाँ देखिए इतना बड़ा सा गार्डन है, अभी खेलते सब खूब दबा करके दौड़ते, मस्त खुश हो जाते एकदम देख करके। बस डर यही है कि भागते हुए इधर उधर ना वाले और चढ़ रहे। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ नहीं बताना है कहाँ जा रहे हो, उतरना थोड़ी है। अच्छा पूरा चढ़ जाओगे? ठीक है चलो देखते हैं। नहीं नहीं चढ़ जाएगा हमको लग रहा है। अनमोल देखिए चीयर करते हुए लोग, और अनमोल इस टाइम ऊपर चढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया बाप। प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की जैसे सबसे बड़ी गलती है कि अगर मुझे ये पता रहता कि ये पिकनिक स्पॉट पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर बाहर कोई यू नो समोसे जलेबी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैं पहले पैक करा के लाता और यहाँ पे खाते बैठ करके मस्त हम सारे। बट कोई नहीं, हम जाते वक्त अभी खाएंगे कहीं पे रोक करके। क्या जब हम लोगों का नाक नहीं छिदा होता था ना, जैसे लड़कियां जो होती थी तो ऐसे से करते थे, मेरा नाक छिद गया। बस ये अरे यार मतलब मैं दिल्ली में रह के गांव में रही हूँ। प्रॉपर इसका नाक नहीं छिदा हुआ है, वो ऐसे करता था। तो ढलते सूरज को कल हमने रिकॉर्ड किया था छठ पूजा के पर्व पर, उस टाइम हम बहुत रश में थे। आज बहुत ही रिलैक्स मोड में हम नंदनगढ़ आए हुए हैं और घूम रहे हैं और बैठे हैं, ढलते हुए सूरज देवताओं को देख रहे हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, सारे बच्चे सब लोग हम लोग सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराएँ। और अब हम जा रहे हैं खाने पीने फटाफट से, क्योंकि सब लोगों को भूख लगी है एंड यू नो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जा रहे हैं कुछ कुछ खाने। अगर गांव की कोई डेफिनेशन है ना तो सिर्फ ये है, इतने में पूरा गांव कवर हो जाता है। ऐसा ही होता है गांव, पूरा गांव ऐसा ही है। असल में गांव ऐसा ही कहते हैं। टूटा हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है। और ये टोल टैक्स के पास हम लोग खड़े हैं NH 727 पर। ये नजारा और ये हस्बैंड और ये और बहुत सारे लोग। कैसा लग रहा है? सो फाइनली हम लोग अब रुके हुए हैं एक मार्केट एरिया में, और मैंने जो सामने आप मिठाई की दुकान देख रहे हैं वहाँ से हमने लिए हैं प्याज के पकौड़े, बुनिया से हो मेरा वहाँ रखा है, सिम्मी खा रही है, विवेक भी थोड़ी देर में अभी खा लेगा, उसको पकड़ा दिया मैंने, और बच्चे प्यार से बैठ करके पीछे सब लोग पकौड़े खा रहे हैं। क्या चल रहा है? तुम्हारा चिप्स ला। अनमोल कहाँ गए भाई ये नहीं पता। अनमोल ये देखिए किनारे। हाँ बनवा रही है ना खाना इनसे चाची। सही बात, आज सवेरे नाश्ता नहीं लेना।